हेलो एंड वेलकम दोस्तों टू 5 मिनट्स इंजीनियरिंग। आज का वीडियो वाकई बड़ा कमाल का होने वाला है दोस्तों, क्योंकि आज के इस वीडियो में लेके आ गया हूँ अगला फंडा एनएलपी से जुड़ा हुआ, जिसका नाम है भैया स्टेमिंग। आखिरकार ये क्या होता है, इसको एक रिलेटेबल एग्जांपल के साथ आपको स्टेमिंग की सारे बातें बताने वाला हूँ, उससे जुड़े हुए सारे सवालों के जवाब आपको मिलने वाले हैं। सो मेक श्योर कि आप इस वीडियो को अंतिम सेकंड तक जरूर देखें। आइए शुरू करते हैं समझना भैया स्टेमिंग इस प्रक्रिया को, इन नेचुरल लैंग्वेज प्रोसेसिंग आखिर ये होता क्या है। एक सिंपल रिलेटेबल एग्जांपल सबसे पहले तो आपके सामने मैं रख देता हूँ, जिससे आपको समझ में आ जाएगा कि स्टेमिंग एक्चुअली है तो है क्या बवाल, है कि नहीं। जैसे कि फॉर एग्जांपल आपने अपने घर में इस एक्टिविटी को दिन प्रतिदिन होते हुए देखा ही होगा। जब आप भैया हरी सब्जियां घर में लाते हो, मेथी हो गया, धनिया हो गया, पालक हो गया, हरी सब्जियां जब आप अपने घर में लाते हो, तो जरा अपने मम्मी को ऑब्जर्व करना, वो क्या कर रहे हैं, हमारी जो माताश्री है वो क्या कर रही है। क्या सीधा सीधा जैसी सब्जी मार्केट से लाई, वो हरी सब्जी बराबर लेट से मेथी पालक जो भी लाया, वो लाते ही भैया सीधा उसको क्या बोलते हैं कुकिंग के लिए डाल देते हैं, सीधा उसको झोंक देते हैं भैया तेल में उसको कुकिंग के लिए, कि हाँ चलो भैया अब इससे ही कुकिंग करेंगे, ये आया ये डाला, ये आया ये डाला, ये बन गया खा लो मजे करो, ऐसा होता है ना जी? ऐसा नहीं होता। तो भैया होता कुछ एक्चुअल में ऐसा है कि जैसे भैया मार्केट से आ जाती है आपकी हरी सब्जी जैसे मेथी और पालक, है ना, तो हम क्या करते हैं बिफोर इट गोज टू कुकिंग, आपकी माताश्री क्या करते हैं कि उसको काट देते हैं, जो उसका बेस होता है ना उसको कहीं ना कहीं काट देते हैं, उसके कुछ ऐसा पार्ट होता है वो जो कि शायद खाने में इतना फ्लेवर ना ऐड करे, इतने न्यूट्रिशंस ना ऐड करे, तो उसको भैया चॉप ऑफ कर देते हैं और जो बचा हुआ मेन पार्ट होता है उसको धो धा के भैया सीधा कुकिंग में डाल देते हैं, फिर बड़ी स्वाद लेते हुए हम लोग जो है उस सब्जी का मजा लेते हैं। सही बात है कि नहीं? ऐसे ही होता है। तो ऐसा ही कुछ भैया यहाँ पे भी होता है, हम लेके आ गए भैया सब्जी मार्केट से, ये देखो जी ये देखो हमारा ये पूरा टैक्स कॉर्पस पड़ा हुआ है, देखो कितनी सब्जी का बंडल लेके आ गया है, मेथी की सब्जी, पालक की सब्जी। अब इसमें भैया बहुत सारे आपके वर्ड्स होते होंगे, एक एक पत्ते, पालक का गड्डी तो होता ही है लेकिन गड्डी एक्चुअली क्या है, पत्ते ही तो होते हैं उसमें बहुत सारे। तो ये देखो ये आपके पास देखो कॉर्पस में भी उस गड्डी में बहुत सारे पत्ते हैं, यानी कि ये रिस्पेक्टिवली आपके वर्ड्स हैं। सही बात है, ये आपके वर्ड्स हैं। अब मैंने क्या बोला था कि भैया कुछ चीज़ों को हम लोग कट ऑफ कर देते हैं, चॉप कर देते हैं, तो यहाँ पे भी हम क्या करते हैं, हमारा जो भी वर्ड होगा उसको थोड़ा सा चॉप कर देंगे, है कि नहीं, कुछ हद तक कटिंग छटिंग उसकी कर देंगे और फिर जो बचा हुआ पोर्शन होगा उसको आगे प्रोसेसिंग के लिए भेज देंगे। सही बात है। जैसे कि एक एग्जांपल मैं आपको देता हूँ, लेट्स से यहाँ से मैं एक वर्ड उठाता हूँ W1, देयर इज अ वर्ड W1, जैसे कि फॉर एग्जांपल कनेक्टेड वाला पार्ट हो गया, ओके कनेक्ट्स वाला पार्ट हो गया, सही बात है कि नहीं, ये हमारे पास हैं वर्ड्स मौजूद है। अब यहाँ होता क्या है कि इनमें से ये वाला पार्ट मैं काट देता हूँ और एक वर्ड मेरे पास निकलता है जिसको अपन बोलते हैं स्टेम वर्ड। आप बात समझ पा रहे हैं? ओके सो होपफुली यू आर अंडरस्टैंडिंग द पॉइंट कि जब मेरे पास वर्ड जैसे कनेक्टेड हुआ, कनेक्ट्स हुआ, तो उसमें से ये मैं चॉप ऑफ कर देता हूँ, ये निकाल देता हूँ और जो मेन वाला पार्ट है, जो हमारा स्टेम वाला पार्ट है, दैट इज द स्टेम वर्ड और द रूट वर्ड, मेन वर्ड जो है कनेक्ट हमारे पास आ जाता है। अब हम लोग इसका उपयोग जो है आगे फर्दर कर सकते हैं। लेकिन क्या ये हर वर्ड के साथ ऐसी स्टेमिंग करता है कि इसका कुछ मतलब तो बन रहा है हमारे, लाइक यू नो, हाँ यार ये कोई स्पेलिंग मिस्टेक नहीं है, बहुत ही करेक्ट बढ़िया सा वर्ड हमारे सामने आया। लेकिन हर बार ऐसा नहीं होता ना जी, नॉट एवरी टाइम यू विल फाइंड अ पर्टिकुलर स्टेम वर्ड जिसमें कोई गलती नहीं। तो एग्जांपल के तौर पे भैया एक शब्द अगर मैं आपके सामने रखूं जो कि है जैसे कि फॉर एग्जांपल ट्रबल है, ओके फिर ट्रबल्ड कह सकते हो, है कि नहीं, उसके बाद ट्रबल्स कह सकते हो, है ना, तो ये हमारे पास कुछ वर्ड है। अब यहाँ पे जब मैं इनकी कटिंग छटिंग करने जाता हूँ, इस पे भैया जब स्टेमिंग लगाता हूँ, एक स्टेम वर्ड मुझे मिलता है, तो भैया वो कुछ इस प्रकार से मिलता है TROUBLE। ऐसा होता है ना? ये ई नहीं होता ये ई नहीं होता और ये वर्ड हमें मिल जाता है। ओके गॉट दिस पॉइंट। ये वर्ड जब हमें प्राप्त हो जाता है, मिल जाता है, तो गौर से जरा इसमें देखना, हम सबसे पहले यही बोलेंगे सर स्पेलिंग मिस्टेक है इसमें, है कि नहीं। तो कई बार ऐसे भी वर्ड आपको यहाँ पे स्टेमिंग के थ्रू मिल जाते हैं, जहाँ पे जो कतरना नहीं होता, कुतरना नहीं होता, जिसकी वजह से आपको लगे सामने वाले को स्पेलिंग मिस्टेक है, ऐसे भी वर्ड आपको एज अ स्टेम वर्ड प्राप्त होते हैं। सो दिस इज व्हाट यू नीड टू अंडरस्टैंड अबाउट द स्टेमिंग। तो प्रॉब्लम्स तो है भैया, और भी अगर मैं प्रॉब्लम्स के बारे में डिटेल में बात करूं इन द स्टेमिंग, तो उसमें भैया दो प्रकार के प्रॉब्लम बहुत ही प्रीडोमिनेंटली आपको सामने अपने दिखाई देते हैं खड़े, जैसे कि फॉर एग्जाम्पल ओवर स्टेमिंग एंड अंडर स्टेमिंग। अब ये ओवर स्टेमिंग वाला मामला क्या होता है जी, व्हाट इज अबाउट द ओवर स्टेमिंग सो डिफरेंट अबाउट दिस। जैसे कि जैसे एग्जांपल देता हूँ मैं आपको, एक बहुत ही बढ़िया और पॉपुलर एग्जांपल है रिलेटेड टू ओवर स्टेमिंग, वो मैं समझाने की प्रयत्न करता हूँ। देखो जी क्लियरली देखो, ऑब्जर्व करो, मेरे पास वर्ड है यूनिवर्स, बराबर है, मेरे पास वर्ड है यूनिवर्सिटी, बराबर है, ये दो वर्ड है। अब मेरे को एक बात बताओ, ये जो दोनों वर्ड हैं इन दोनों के मीनिंग जो है डिफरेंट डिफरेंट है, तो अगर ये दो वर्ड अगर मैं स्टेमिंग को दे दूं तो मुझे दो डिफरेंट स्टेम वर्ड्स मिलने चाहिए कि नहीं? सिंपल सी बात है कि नहीं, मुझे दो स्टेम मिलने चाहिए इसके, डिफरेंट मिलने चाहिए। लेकिन होता कुछ ऐसा यार,
होता कुछ ऐसा है कि जब ये वाला पार्ट बेसिकली मैं स्टेमिंग को प्रोवाइड करता हूँ तो वो मुझे क्या करता है, एक ही स्टेम वर्ड देता है क्या देता है भैया, वो एक कौन सा वो स्टेम वर्ड देता है, यूनिवर्स। बस क्योंकि ये वाला जो पार्ट है ये देखो ये ITY और ये SE, ये वाला पार्ट वो कटिंग छटिंग कर देता है। तो ये ओवर स्टेमिंग क्यों है, क्योंकि ये ज्यादा काट छाट देता है जिस वजह से एक्चुअल में जिन वर्ड्स के ज्यादा स्टेम वर्ड्स, डिफरेंट स्टेम वर्ड्स एग्जिस्ट होने चाहिए, डिफरेंट स्टेम वर्ड्स एग्जिस्ट होने चाहिए उनके लिए भैया वो सेम स्टेम वर्ड दे रहा है। दिस इज रॉन्ग, दिस इज वेरी मच रॉन्ग। तो ये भी दिक्कत भैया स्टेमिंग के साथ है। अंडर स्टेमिंग का मतलब क्या होता है, थोड़ा सा उल्टा, अंडर स्टेमिंग का मतलब क्या, जैसे कि फॉर एग्जाम्पल मेरे पास दो वर्ड्स हैं, बहुत ही पॉपुलर एग्जाम्पल है ये भी, डेटा एंड डेटम, एक सिंगुलर फॉर्म में है एक प्लूरल फॉर्म में है, बात तो इंफॉर्मेशन की हो रही है ना, सही बात है। तो अब जब भैया ये फंडा मैं स्टेमिंग को देता हूं तो होना क्या चाहिए, मुझे एक ही रिस्पेक्टिव स्टेम वर्ड डैट मिलना चाहिए, डैट। लेकिन होता क्या है, डेटा का तो डैट मिलता है लेकिन डैटम का एम निकाला जाता है और डाटू, नॉट नाटू। नाटू के लिए तो भैया प्राउड इंडियन है अपन भैया, बहुत खुशी होती है जो ऑस्कर मिला था, नाटू नाटू है, लेकिन यहां तो भैया डाटू है। अब मैं स्टेमिंग को कितना डाटू भैया इस गलती के लिए, एक्चुअल में एक ही वर्ड मिलना चाहिए इनके लिए क्योंकि सेम ही है भैया, ज्यादा फर्क नहीं है, सेम ही है तो एक ही वर्ड मिलना चाहिए, एक ही स्टेम वर्ड मिलना चाहिए, लेकिन मिल रहे हैं दो। सो दिस इज अ प्रॉब्लम, अंडर स्टेमिंग और ये ओवर स्टेमिंग। और स्टेमिंग से इन जनरल प्रॉब्लम क्या है, कैसी वो पूरी प्रक्रिया होती है, रिलेटेबल एग्जाम्पल के साथ सारी चीजें आपके सामने मैंने रख दी है। होपफुली ये वीडियो आपको पसंद आ गया होगा तो इस वीडियो को लाइक कर दीजिए, उससे भी ज्यादा जरूरी इस वीडियो को शेयर कीजिए अपने सारे दोस्तों के साथ। थैंक्स अ लॉट दोस्तों फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।